नमस्कार दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो हम उसको संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह हमारे एक साल में 12 संक्रांति होती है, पर उसमें से जो मकर संक्रांति है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन सूरज धनु राशि से मकर राशि में जाता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। पर राशि परिवर्तन के अलावा इस दिन अयन का परिवर्तन भी होता है। सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण जाते हैं, सन फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर मूव्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसको उत्तरायणी भी कहते हैं कि सन अब उत्तर दिशा में आ गया। और कितना महत्व है इस बात का, तो एक आपको मैं महाभारत का प्रसंग बताता हूँ कि भीष्म पितामह को इच्छित मृत्यु का वरदान था। जब उनका पूरा शरीर घायल हो गया था तीरों से, तो वो वेट करते हैं सूर्य का उत्तरायण में आने के लिए, यानी वो कहते हैं जब सूर्य उत्तरायण आ जाएंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा, यानी मरना भी उत्तरायण में अच्छा माना गया है। इस दिन क्या करना चाहिए? सूर्य प्रतीक है ज्ञान के और हमारे स्वास्थ्य के। तो होता क्या है, इस दिन हमें अपने ब्राह्मण को, अपने पंडित को, अपने ज्योतिषाचार्य को, अपने गुरु को, अपने वैद्य को हम अन्न देते हैं। पहले हमारे जो गांव थे वो स्वायत्त थे, कि गांव में 50-100 फैमिलीज हैं, एक पंडित हैं, एक वैद्य हैं, वो पहले ही आपका ध्यान रखते थे कि आप बीमार ही ना पड़े, ग्रह नक्षत्र की बुरी दशा आप पे आए ही नहीं। लेकिन फिर उनका गुजारा कैसे चले, तो गांव के जो 50-100 लोग होते थे, उस दिन उन्हें कच्चा अनाज, इसलिए आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी लोग पंडित को, पंडिताइन को आज के दिन चावल, नमक, गुड़, घी, तेल, मसाले दिए जाते हैं। आप आज के युग में इसे किसी मंदिर में, आपके जानकार कोई पंडित है, आपके जानकार कोई वैद्य, उन्हें या किसी आश्रम में दे सकते हैं, ताकि आपको हमेशा ज्ञान मिले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपके घर में सुख संपन्नता बनी रहे। खुश रहिए।